कि पुलिस के पावर के आगे किसी की नहीं चलती। हालात ये हैं कि सरकारी फरमान भी खाकी के सामने दम तोड़ रहा है। राजस्थान पुलिस करोड़ों रुपए का बकाया बिजली बिल नहीं चुका रही है। देखिए रिपोर्ट। अगर आपने एक महीने का बिजली बिल नहीं भरा तो विद्युत विभाग आपके घर दुकान का कनेक्शन काट देगा। लेकिन राजस्थान पुलिस के पावर के आगे विद्युत विभाग की भी बत्ती गुल हो जाती है। प्रदेश के थानों और पुलिस कार्यालयों पर 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिजली बिल बकाया है। इनमें पुलिस पर अकेले जयपुर डिस्कॉम के 9 करोड़ 60 लाख का बिल बकाया है। हालात यह है कि पुलिस थानों, सीओ कार्यालयों और यहां तक कि एसपी कार्यालय में लंबे समय से बिजली के बिल जमा नहीं कराए गए। राजस्थान पुलिस बिजली बिल जमा करे। प्रदेश में पुलिस पर 31 मई 2020 तक बिजली बिलों के 31 करोड़ 95 लाख रुपए बकाए थे। जयपुर डिस्कॉम के 9 करोड़ 11 लाख रुपए के बिल बकाया थे। जनवरी 2021 तक जयपुर डिस्कॉम का बिलों का बकाया 9 करोड़ 60 लाख रुपए हो गया। जयपुर डिस्कॉम MD नवीन अरोड़ा ने प्रमुख सचिव गृह अभय कुमार को पत्र लिखा है, पुलिस को बकाया भुगतान चुकाने के निर्देश देने का आग्रह किया है। आंकड़ों में अगर देखा जाए तो प्रदेश के कई जिलों पर भारी भरकम बिल बकाया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि खाकी मुफ्त में अपना पसीना सुखा रही है। सबसे ज्यादा कोटा सर्कल में 2,83,39,000, भरतपुर सर्कल में 1,52,42,000, JPDC जयपुर सर्कल में 1,26,35,000 का बकाया है। इसी तरह JCC जयपुर सर्कल में 36,34,000, सवाईमाधोपुर सर्कल में 37,08,000, टोंक में 6,26,000 का बकाया है। तो जयपुर डिस्कॉम के अलवर सर्कल में 59 लाख, भरतपुर सर्कल में 1,52,42,000 रुपए बिल बकाया है। धौलपुर सर्कल में 62,93,000, दौसा सर्कल में 70,09,000, करौली सर्कल में 39,42,000 का बकाया है। डिस्कॉम के स्थानीय अधिकारी संबंधित पुलिस अधिकारियों से समय समय पर बिलों का भुगतान करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इसके जवाब में पुलिस अधिकारी हर बार अपेक्षित बजट प्रावधान नहीं होना बताकर इनकार कर देते हैं। कहते हैं दिया तले अंधेरा होता है, यह कहावत विद्युत वितरण निगम पर सही साबित हो रही है। प्रदेश में कहीं भी बिजली चोरी रोकने का मामला हो या फिर बकाया भुगतान वसूलने का, विद्युत वितरण निगम पुलिस को साथ लेकर कार्रवाई करता है, लेकिन राजस्थान पुलिस पर ही करोड़ों के बिल बकाया है। इन बकाया बिलों के भुगतान के लिए जयपुर डिस्कॉम MD से लेकर कई आला अफसर पत्र लिख चुके हैं और राज्य सरकार भी निर्देश दे चुकी है, बावजूद इसके पुलिस बिल जमा नहीं करा रही है। कैमरामैन भूषण सोनी के साथ विष्णु शर्मा जी।